पिछली वीडियो में दिखाया गया था कि ग्रैंडमा नानसिंह को जाओ फैमिली की बहू बनाना चाहती है। नानसिंह भी मान जाती है क्योंकि उसे जाओ जिंग के करीब रह के पॉइंट शो कंप्लीट करने हैं। तो वो जाओ जिंग से पूछती है कि क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो। ये सुन जाओ जिंग के दिल में तो लड्डू फूटने लग गए, लेकिन वो नानसिंह से कहता है कि मेरा कोई इरादा नहीं तुमसे शादी करने का। नानसिंह समझ गई ये ना बोल रहा है, लेकिन इसके दिल में कुछ और ही है, ये दोगला इंसान है। फिर ग्रैंडमा से कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मेरा यहाँ रुकने का क्या फायदा, मैं चलती हूँ। तभी जाओ जिंग बोल पड़ता है कि अगर दादी खुश हैं तो और कुछ मायने नहीं रखता, मेरी तरफ से हाँ है। नानसिंह सोचती है कि सर से पांव तक बस जबानी सबसे ज्यादा कड़वी है। चट मंगनी पट ब्याह वाला सीन हो गया, दोनों ने मैरिज रजिस्टर करवा दिया। ग्रैंडमा मैरिज सर्टिफिकेट को जी भर कर देख रही होती है तो जाओ जिंग कहता है कि दादी बस भी करें, आप पिछले आधे घंटे से इसे देख रही हो, अब तो हमें वापस कर दो। ग्रैंडमा कहती है कि वापस क्या करना, इतनी अहम चीज है दादी तुम्हारे लिए संभाल कर रखेगी, अब मैं तुम दोनों को और परेशान नहीं करूंगी। नई नई शादी है, जाओ घूमो फिरो साथ में टाइम स्पेंड करो। जाओ जिंग कहता है कि दादी आज मैं कहीं नहीं जा सकता, अभी इवनिंग में मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। ये सुन ग्रैंडमा भड़क जाती है, कहती है कि कैसी मीटिंग, काम बहू से बढ़कर है क्या, तुम हमारे खानदान के ट्रेडिशन भूल गए। जाओ जिंग कहता है हाँ हाँ वाइफ को खुश रखने वाला ही कामयाब है। दादी ने दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। जाओ जिंग नानसिंह से पूछता है कि कहाँ जाना पसंद करोगी। ये सुन नानसिंह खुश होकर कहती है कि एक्वेरियम। जाओ जिंग कहता है ठीक है फिर मैं पूरी जगह बुक कर लेता हूँ। नानसिंह उसे रोकती है, कहती है कि अब तुम सबको वहाँ से निकाल तो नहीं सकते ना, और वैसे भी ऐसी जगह पर ज्यादा लोग हों तभी मजा आता है। जाओ जिंग कहता है कि मुझे दूसरों के साथ भीड़ में रहना पसंद नहीं। ये सुन नानसिंह थोड़ी सैड होकर कहती है कि बचपन में मुझे सबसे ज्यादा दूसर जलन तब होती थी जब वो क्योरियम खेलने जाते थे, और मैं आज तक वहाँ नहीं गई। जाओ जिंग कहता है मैंने कहा मुझे भीड़ में रहना पसंद नहीं, ये तो नहीं कहा ना कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। नानसिंह खुश हो गई और फौरन से उसे अपनी फेवरेट जगह दिखाने लग गई। कहती है कि कुछ दिन पहले मैंने इस जगह के टिकट्स खरीद लिए थे, देखो अब काम आ गया ना। जाओ जिंग कहता है कि अब तुमने टिकट्स बाय कर ही लिए हैं तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ, अब इसे वेस्ट तो नहीं कर सकते ना। जाओ जिंग के हाथ से नानसिंह को एक पॉइंट मिल गया, वो खुश हो गई। दोनों पार्क पहुंच गए, आज मौसम काफी गर्म है, बहुत गर्मी लग रही है, चलो ये कोल्ड ड्रिंक पीकर अपने कलेजे को ठंडा कर लूं। नानसिंह ने जाओ जिंग की झूठी कोल्ड ड्रिंक पी ली। ये देख जाओ जिंग कहता है कि ये मेरा था। नानसिंह कहती है कि कोई बात नहीं मुझे तुमसे नफरत नहीं। ये सुन जाओ जिंग तो मन ही मन खुश होने लगा। नेक्स्ट सीन में नानसिंह जाओ जिंग का हाथ पकड़ कर ले जा रही होती है, तभी नानसिंह किसी से टकरा जाती है, वो गिरने वाली होती है तो जाओ जिंग उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है। रोमांटिक माहौल बन गया, प्यार की शुरुआत हो गई, बस इजहार करना बाकी है। कहीं ना कहीं नानसिंह भी उससे प्यार करने लग गई है, लेकिन नानसिंह जितना उसके करीब जाती जा रही है उसके टास्क पॉइंट कम्प्लीट होते जा रहे हैं। क्या होगा जब दोनों अपने प्यार का इजहार करेंगे और नानसिंह अपनी दुनिया में वापस चली जाएगी। दोनों हाथ में हाथ थामे साथ में घूमते हैं, रोमांटिक सेल्फी भी लेते हैं। काफी एंजॉय करने के बाद दोनों घर आकर लेट गए। ग्रैंडमा दोनों के लिए सूप ले आती है, कहती है कि काफी थक गए हो, ये लो सूप पियो और आराम कर लो। दोनों सूप पी लेते हैं, ग्रैंडमा खुश दिखाई दे रही है, लगता है इसमें कुछ तो गड़बड़ है। ग्रैंडमा का दिया हुआ सूप पीने के बाद दोनों टली हो जाते हैं, मतलब के फुल नशे में। नानसिंह जाओ जिंग की क्लोज होने लगती है तो जाओ जिंग भी उसके और ज्यादा करीब जाता है। ग्रैंडमा का प्लान कामयाब हुआ। नेक्स्ट मॉर्निंग जब नानसिंह की आंख खुलती है तो खुद को जाओ जिंग के पास होता देख शॉक होकर उसे दूर होती है और सोचती है कि हम फिर से एक ही बिस्तर में क्यों सोए। तभी उसे याद आता है कि कल रात जो सूप पिया था उसमें दादी ने कुछ मिलाया था जिसके बाद यह सब हुआ। ये सब याद करने के बाद नानसिंह खुद को कोस रही होती है, कहती है कि इतने सारे बॉस नॉवेल्स पे कार में पड़े, दादी का इतना क्लासिक सूप वाला सीन भी असर कर गया। फिर कल रात जो हुआ वो सब याद करने के बाद जाओ जिंग को देखने लगती है और उसके करीब जाकर कहती है कि तुम्हारे बारे में जो कहा गया है वो सही है, बड़े नाक वाला लड़का। तभी जाओ जिंग की आंख खुलती है, वो सब सुन लेता है। नानसिंह फटाफट से उसे दूर हट जाती है। जाओ जिंग कहता है कि तुमने अभी क्या कहा, बड़े नाक वाला आदमी, बताना पसंद करोगी किस तरह। ये बोलकर वो उसके करीब जाने लगता है।
तभी बेल बजता है। नानसिंह पीछे हट जाती है, कहती है कि मैं जाकर देखती हूँ कौन है। ये बोलकर वो वहाँ से भाग जाती है। जब नानसिंह डोर ओपन करती है तो वहाँ जाओजिंग की फ्रेंड शीशी होती है। दोनों एक दूसरे को देख शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि ये दोनों एक ही कॉलेज में थे। उसे देख नानसिंह को पास्ट के कुछ फ्लैशबैक याद आने लगते हैं क्योंकि ये वही लड़की है जो इसे बुली किया करती थी। और फिर कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ दिखाया जाता है कि शीशी और उसके फ्रेंड्स नानसिंह को बुली कर रहे होते हैं। नानसिंह बेचारी रोते हुए कह रही है कि प्लीज मुझे जाने दो, पर शीशी उसे बेदर्दी से बुली करने लगती है और उसकी हेयर पिन निकाल कर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जैसी हेयर क्लिप लगाने की, क्या तुम इस काबिल भी हो। नानसिंह रोते हुए उसे क्लिप लेने लगती है, कहती है कि ये मेरी दादी की तरफ से मेरा बर्थडे गिफ्ट है, प्लीज मुझे वापस करो। पर शीशी ठहरी साइको, वो हेयर क्लिप को अपने पैरों तले कुचल देती है। प्रेजेंट में शीशी नानसिंह से कहती है कि अच्छा तो वो मामूली सी क्लीनर तुम हो जो जाओजिंग के करीब जाने की कोशिश करी हो, वैसे तुम अब भी वैसी हो अनोइंग। नानसिंह कहती है कि तुम भी तो नहीं बदली, वैसी की वैसी एक नंबर की चुड़ैल। ये बात सुन शीशी गुस्सा होकर नानसिंह को पुश करके घर के अंदर जाती है और जाओजिंग को पुकारने लगती है, कहती है कि कहाँ हो तुम, मैं आ गई हूँ तुमसे मिलने। फिर नानसिंह से कहती है कि जाओ जाओजिंग को बुलाओ, मैं उससे मिलने आई हूँ। नानसिंह कहती है कि जाओजिंग अभी सो रहा है, कल रात मेरे ख्याल से काफी थक गया था वो। ये सुन शीशी गुस्सा होकर कहती है कि मैं और जाओजिंग चाइल्डहुड स्वीटहार्ट हैं, एक साथ बड़े हुए हैं, सो तुम्हें जो कहा गया है वो करो। नानसिंह भी कुछ कम नहीं, वो उसे अपनी वेडिंग रिंग दिखाकर कहती है कि अब क्या करें, मैं इस फैमिली की बहू हूँ। शीशी कहती है कि सच में मैंने तुम्हें बहुत कम समझा, तुमने मेरे जाओजिंग को फंसाया, उसे मुझसे छीना, याद रखना मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। नानसिंह कहती है तो फिर कर लो कोशिश, और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं अब वो नानसिंह नहीं रही जिसे तुम क्लास में बुली किया करती थी। ये बात सुन शीशी मुस्कुरा देती है, कहती है कि मैं अब भी वैसा कर सकती हूँ, और फिर पानी से भरा गिलास उसके मुंह में फेंकती है और कहती है कि ऐसे क्या घूर रही हो, चलो साफ करो इसे। तुम्हें लगता है कि तुम जाओजिंग के करीब जाकर हर चीज बदल दोगी, तुम जैसी लड़की इस काबिल नहीं, समझी। ये बात सुन नानसिंह उसे थप्पड़ दे मारती है और कहती है कि हाय कलेजे नू ठंड पै गई, आज मैंने वो काम किया जो मैं बरसों से करना चाहती थी। थप्पड़ खाकर शीशी भड़क जाती है, कहती है कि तुम्हारी जुरत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की। नानसिंह कहती है कि हाँ एज अ क्लीनर मुझे कचरा साफ करना बहुत अच्छे से आता है। ये सुन शीशी उसे थप्पड़ मारने की कोशिश करती है पर नानसिंह उसका हाथ रोक लेती है। तभी शीशी जाओजिंग को आता देख नाटक करने लगती है और खुद को नीचे गिरा कर कहती है कि नानसिंह तुमने मुझे पुश क्यों किया। जाओजिंग ये सब देख लेता है। नानसिंह कहती है कि तुम जो चाल चलने की कोशिश करी हो ना वो काफी पुरानी हो गई है, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। तभी जाओजिंग कहता है कि नानसिंह ये सब क्या हो रहा है। शीशी उसे देख नाटक शुरू करती है, कहती है कि जाओजिंग ये मुझे बुली करने की कोशिश करी है। जाओजिंग नानसिंह से पूछता है कि क्या मसला है, तो नानसिंह कहती है कि इसका मतलब तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं। जाओजिंग कुछ कहना चाहता है पर नानसिंह उसकी बात सुने बिना उससे नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। जाओजिंग उसके पीछे जाने लगता है लेकिन शीशी उसका हाथ पकड़ कर रोक लेती है, कहती है कि जाओजिंग हम दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड हैं, तुम तो जानते हो ना कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती, सारी गलती उसकी थी लेकिन तुम उसका ही साथ दे रहे हो, इस सब का मैं क्या मतलब समझूं। जाओजिंग कहता है कि यही कि तुम्हारी किस्मत खराब है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में नानसिंह उदास बैठी होती है, तभी वहाँ पर एक अननोन लड़का आता है, ये है ली शिन, इस ड्रामे का सेकंड मेल लीड। वो उसके पास आकर बैठ जाता है और कहता है कि वो एक मोटू मुसलसल तुम्हें घूरा जा रहा है। नानसिंह उस मोटू को देखती है तो वो उसे देख मुस्कुराने लगता है। नानसिंह ली शिन को थैंक्स बोलती है। ली शिन कहता है कि काफी रात हो गई है, क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं, तुम्हारे घर वाले काफी परेशान हो रहे होंगे। नानसिंह उदास होकर कहती है कि मेरी फैमिली वो यहाँ पे नहीं है। ली शिन कहता है कि ओह सॉरी मुझे पता नहीं था। नानसिंह कहती है कि इट्स ओके। ली शिन कहता है कि ये दुनिया बहुत बड़ी है, तुम जहाँ भी चाहे रहो हर जगह घर जैसा ही होगा, तब तक जब तक तुम्हारे साथ वो लोग हैं जो तुमसे प्यार कहते हैं और जिनसे तुम प्यार कहती हो। इसकी ये बात सुन नानसिंह मुस्कुरा देती है, कहती है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ जाओजिंग आता है, वो उन दोनों को साथ देख जेलिस होता है और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है।